आशाओं के बोझ तले दबा ये छोटे बच्चे सा, ठूंठ हो चुके पेड़ के अंतिम सूखे पत्ते सा, ऊपर उठकर मस्त हवा में झूम के बहना चाहता है मेरा अशांत मन, कुछ करना चाहता है। जो हो जाता है दुखी कभी, कभी खिल उठता है फूलों सा, कभी रीशा कोमल लगता, कभी चुप जाता सूलों सा, कभी चाहता दम भर जीना, एक पल में मरना चाहता है मेरा अशांत मन, कुछ करना चाहता है। चंचल है डोल कर बहुत दूर चला जाता है, फिर जीने की लालसाओं में बंध कर वापस लौट आता है। कभी भविष्य, कभी भूत, कभी वर्तमान में जीना चाहता है मेरा अशांत मन, कुछ करना चाहता है। नदी की तरह बहना, तितलियों की तरह उड़ना, चांदनी की तरह झरना चाहता है मेरा अशांत मन, अब बस शांत रहना चाहता है। हमारे मन में हमेशा हमारे जीवन से संबंधित बातें चलती रहती हैं, लेकिन शायद आप यह बात नहीं जानते, दिमाग हमेशा अशांत रहने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जब तक कोई अपने मन को शांत करना ना सीख ले, तब तक वह कुछ और सही से नहीं सीख सकता। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन और दिमाग का अशांत रहना एक आम बात है। मन को शांत करना नामुमकिन तो नहीं होता, लेकिन मन को शांत करने के लिए सही उपाय और इनका सही इस्तेमाल करना जरूरी होता है। जब तक कोई अपने मन को शांत करना ना सीख ले, तब तक वह कोई और चीज सही से नहीं कर सकता। मन अशांत रहने के कारण हम कई बार बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाते और छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। हमारा दिमाग, हमारा मन उस तरफ आकर्षित रहता है जहां हमें सोचना ना पड़े, जहां हमारे दिमाग को किसी भी तरह की सोच, किसी भी तरह की एनालिसिस ना करना पड़े। मन की दुविधाओं को दूर करने तथा मन व दिमाग को शांत रखने के लिए आज हम कुछ ऐसे ही उपाय के बारे में बात करेंगे, जिससे आप सीख पाएंगे अपने दिमाग को शांत रखना। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं कोई पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिला। वहां उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं, और तभी वहां से उस पानी के स्रोत के ऊपर से बैलगाड़ी गुजर गई। ऐसे में वहां का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गई। फिर उसने सोचा, इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे लेकर जाऊं? तो वह खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर यह बात बताई। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम सब यहां इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद गौतम बुद्ध ने फिर उसी शिष्य से पानी लाने को कहा। अब वह शिष्य वापस उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि वहां का पानी पूरी तरह से साफ हो चुका है और अब वह पीने योग्य है। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर गया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़े समय तक छोड़ देने से उसका सारा मिट्टी, सारा कीचड़ नीचे बैठ गया और वह पानी पूरी तरह से साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मन अशांत हो, तब उसे वक्त देकर शांत करना चाहिए। हमारा मन भी थोड़ी समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मन से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए।
बस हमें करना यही है कि हमें अपने मन को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए आप योग कर सकते हैं। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप योग करें। योग करने से दिमाग और मन दोनों ही शांत होते हैं। योगा का मुख्य फायदा होता है कि मन को शांत करना। योग की मदद से काफी कम समय में मन को शांत किया जा सकता है। योग के कुछ ऐसे प्रकार भी होते हैं जिनकी मदद से बहुत समय के लिए दिमाग को शांत किया जा सकता है। किसी शांत दृश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। किसी दृश्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपका दिमाग शांत होता है। ये तकनीक आपको थोड़ी मेडिटेशन के समान लग सकती है, लेकिन इसमें एक फर्क है। किसी भी शब्द या विचार को सोचने के बजाय केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य पर ध्यान देना। जैसे आप सुबह उठे और कई सालों से आप जिस दोस्त से नहीं मिले उसे देखकर आप झूम उठे। कुछ इसी तरह के सकारात्मक दृश्यों के बारे में 10 मिनट तक सोचें। इस तरह आपका मन व दिमाग शांत होगा और रिलैक्स महसूस करेगा। आप गहरी सांसें भी ले सकते हैं। मन को शांत करने का अचूक मंत्र गहरी सांसें लेना है। जब हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमारे दिमाग में अच्छे रसायन स्रवित होते हैं, जो मन को कंट्रोल करने तथा मन को खुश रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मन शांत रखने के लिए नियमित रूप से 5 बार गहरी सांस लेना और कुछ देर बाद सांस को छोड़ देना चाहिए। गहरी सांस लेते समय फेफड़े और डायफ्राम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते और तुरंत शांति, राहत और एक अलग तरीके का सुकून मिलता है। आपको लगातार सकारात्मक विचार सोचना चाहिए। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देंगे, तो आपको अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक पुरानी कहावत है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। इसका मतलब है, अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप सकारात्मक बनेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो वैसे ही आप बन जाएंगे। सकारात्मक विचार सोचने से ही आपको अद्भुत बदलाव महसूस होगा। अगर आप रोजमर्रा के जीवन में सिर्फ अपने व लोगों के विचारों के प्रति सकारात्मक रहते हैं, तो जीवन में अकल्पनीय बदलाव देखने को मिलता है। आप धीमा संगीत सुन सकते हैं। मेडिटेशन संगीत यह एक ऐसा संगीत है जो कि खास तरह से तैयार किया जाता है। इसमें इतनी क्षमता होती है कि यह आपके अशांत मन को शांत कर सकता है, साथ ही यह मन को तनाव मुक्त भी करता है। संगीत को समझना और अंतर मन से महसूस करने पर हमें मानसिक संतुष्टि का आभास होता है। जैसा कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है, संगीत ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। संगीत पर पूरा ध्यान लगाकर रखें। जब तक आप अपने नकारात्मक विचारों को पीछे नहीं छोड़ देते, संगीत आपके मन को शांत और स्थिर रखने के लिए बेहद अहम भूमिका अदा करता है।